नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ रजनीश कुमार और भारतीय संविधान पे हम क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने भारतीय संविधान से रिलेटेड आपके लिए लेके आ रखे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका आंसर है भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में मद्रास स्टेट से अलग कर दिया गया 1 अक्टूबर 1953 को, और 1 नवंबर 1956 को इसको इसमें हैदराबाद को जोड़ के हैदराबाद को इसकी राजधानी बनाया गया, मतलब पुनर्गठन किया गया। तीसरा है भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है, मतलब अगर किसी राज्य को, जैसे किसी देश का कोई इलाका भारत में शामिल होना चाहता है वहाँ जनमत करने के बाद, तो ये अधिकार भारतीय संसद को है कि वो इस तरह से किसी इलाके को भारत में शामिल कर सकते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको है, तो वो किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करने का अधिकार भी संसद को ही है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करनी होती है, तो अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो इसकी सहमति राष्ट्रपति से लेनी होती है। अन्य रजवाड़ों को भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों को भारत में शामिल होने में विलंब हुआ था, तो जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। तो जूनागढ़ में भी जो वहाँ का राजा था वो मोहम्मद अली जिन्ना से मिला हुआ था, हैदराबाद का भी निजाम ने कुछ इसी तरह कर रखा था, और जम्मू कश्मीर का तो सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। तो ये 3 स्टेट थे जो नहीं मिलना चाह रहे थे और इनको मिलाने में बड़ी दिक्कत आई थी। 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इस सबके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे और इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है, भारतीय एकता का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक जो हमारा नक्शा है तो उसको जो एक तरफ से सेब देने का काम किया है तो वो सरदार पटेल जी ने किया है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो एक तो सरदार पटेल हो गए, गृह मंत्री थे, और जो दूसरे थे बीपी मेनन जो सचिव थे, तो इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में प्रवर्धन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ ब स और द में बांटा गया था, इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया, तो 1956 में इन श्रेणियों को समाप्त किया गया। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ और 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। इससे पूर्व वहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी, तो पोती श्री रामलु की मृत्यु हुई थी। इन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल की और ये काफ़ी लोकप्रिय समाज सेवक थे, और इनकी मृत्यु होने से वहाँ बहुत हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाया जाएगा। और इसके बाद भाषाई आधार पर कई राज्यों की मांग उठने लगी और आज भी ये हालत वैसी ही है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में शुरू किया गया, और जो 1953 में आंध्र प्रदेश को तो आनंद फानंद में, जिसको कहते हैं इमरजेंसी में दिया गया, लेकिन फिर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन शुरू कर दिया गया। और ये जो भाषाई आधार पर गठन करने की बात है, जितनी भी समितियां बनी थी उन सभी ने इसका विरोध किया था कि भाषाई आधार पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक फायदे के लिए, अगर कहीं पहाड़ी इलाका है तो उसको हिसाब से, या कोई मैदानी इलाका है संस्कृति के हिसाब से, उस हिसाब से राज्य बनाए जाने चाहिए। लेकिन आखिर में सरकार को हारना पड़ा और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग वर्गों में रखा गया था। प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, तो इस ये राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था, और इसी को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। कराईकल, माहे, यनाम सहित पौंडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को सौंपा था, तो 1954 में फ्रांसीसी सरकार ने कराईकल, माहे, यनाम और पौंडुचेरी को, जो वहाँ फ्रांसीसी बस्तियाँ थी, उनको भारत सरकार को सौंपा था। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का क्षेत्र बनाया गया, राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो 1961 में पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दिया गया था और गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया था।
संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम 1975 तक एक अलग देश की तरह था जिसकी सुरक्षा भारत करता था, लेकिन 1975 में जब वहाँ जनमत संग्रह कराया गया और जो वहाँ का चोग्याल राजा था उसके खिलाफ लोगों ने वोट किया, 95% से ज़्यादा लोगों ने, तो उसके बाद भारतीय सेना ने उसको वहाँ नज़रबंद किया और सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः हुआ था। तो 56वें संशोधन द्वारा गोवा बना, 55वें द्वारा अरुणाचल प्रदेश, 53वें द्वारा मिजोरम और 36वें द्वारा सिक्किम बना। तो इस तरह से याद रखिए, 56वें संशोधन द्वारा गोवा राज्य बनाया गया, 55वें संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश, 53वें संशोधन द्वारा मिजोरम और 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य का गठन किया गया? तो धर आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंजाब को, जो पंजाब स्टेट था उसको पंजाब हरियाणा और हिमाचल में बांट दिया गया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। तो 36वें संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। तो दोस्तों, ये जो पहला हमारा क्वेश्चन सीरीज था संविधान पे, ये कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह के सीरीज अगर आपको देखने हैं, अगर अपडेटेड रहना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।